मन की बात में वैक्सीन को लेके क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी, ममता सरकार पर अमित शाह का जबरदस्त हमला और वेब सीरीज तांडव के बाद कैसे सजग हुई सरकार, राष्ट्र और राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप नाइन देश प्रदेश। आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर कहा कि वैक्सीन से देश का गौरव बढ़ा है और ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि वैक्सीन को लेकर दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रैली को संबोधित किया। ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता राज का 10 साल तानाशाही वाला रहा है। बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ने पूछा, दीदी बंगाल की गरीब जनता से आपने इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली है जो गरीब तक न जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, न रोटी न नौकरी। एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राम राज्य दस्तक दे रहा है। ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी के पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से उनके विधानसभा क्षेत्र हावड़ा डोमजूर में जनता विरोध कर रही है, जिसके चलते लोगों ने जूते की माला पहने हुए पुतले को लेकर इलाके में जुलूस निकाला। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक अब दादा की तबीयत ठीक है, साथ ही उन्हें एक हफ्ते तक रेस्ट करने की सलाह दी गई है। वेब सीरीज तांडव को लेकर हुए विवाद के बाद से केंद्र सरकार सजग हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक सरकार जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी, साथ ही फरवरी में सिनेमाघर भी फुल कैपेसिटी के साथ शुरू हो जाएंगे। देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,052 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना के कारण 127 लोगों की मौत हुई है, साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,68,784 रह गई है। जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए -8.8 डिग्री तक गिर गया है। बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों के घरों में लगे टैंक का पानी तक जम गया है। एक तरफ दिल्ली पर शीतलहर का कहर जारी है तो दूसरी तरफ दिल्लीवासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दरअसल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार हो चुका है।